बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ मीटर ब्रिज में, फ्रॉम द लेफ्ट बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम इन द राइट गैप। ठीक है, मीटर ब्रिज आप पढ़े होंगे और इसको बना लो प्यारे बच्चों। मीटर ब्रिज ऐसे कुछ होता है, आप इसको पढ़े होंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहता है राइट गैप, और ये यहाँ पर कुछ दूसरा रेजिस्टेंस रहता है, ये लेफ्ट गैप होता है, और एक मीटर ब्रिज है तो ये यहाँ से 1 मीटर के वायर से कनेक्ट रहता है। दिस इज़ द 1 मीटर वायर, 1 मीटर वायर दैट इज 100 सेंटीमीटर, दिस इज़ द 100 सेंटीमीटर वायर। एंड हियर इज ए जॉकी कनेक्टेड अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर जी, एंड यहाँ दिस इज द बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, ये बैलेंसिंग लेंथ एल है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस L, दिस लेंथ इज 100 माइनस L बिकॉज दिस इज 100 सेंटीमीटर, दिस इज L। नाउ कहता है इन एन इम्बैलेंसिंग लेंथ इन द लेफ्ट स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इन द राइट है 1 ओम। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस एक्स है तो 1 ओम दिया हुआ है, 1 ओम इज गिवेन इन दिस एक्स। हियर अननोन रेजिस्टेंस आर, सपोज हियर कनेक्टेड अननोन रेजिस्टेंस आर, हियर नोन रेजिस्टेंस एक्स। इट इज फाउंड दैट बैलेंसिंग लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, द एल इज गिवेन हियर, एल इज ऑलरेडी गिवेन 20 सेंटीमीटर। सो ये 100 माइनस L, दिस इज 20, नाउ दिस इज 80, दिस विल बी द 80 इफ दिस विल बी द 20। तो वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वी नीड टू कैलकुलेट R, R की वैल्यू वी नो दैट ऑलरेडी, वी नो द कॉन्सेप्ट, वी नो ऑलरेडी, हम सबको पता है प्यारे बच्चों कि R डिवाइडेड बाई X मस्ट बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L। सो अननोन वैल्यू R इज इक्वल टू L 100 माइनस L मल्टीप्लाइड बाई अननोन X। नाउ पुट द वैल्यू, सारे वैल्यू रख दो, L की वैल्यू कितनी थी 20, तो ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा ओम, तो ये आ जाएगा 1/4, 1/4 मतलब 0.25 ओम, दैट इज द अननोन रेजिस्टेंस एक्स आर। इतना आर होगा 0.25, दैट इज हम लोगों का प्यारे बच्चों डी ऑप्शन सही है। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। ठीक है, चलो। एक पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट वायर ऑफ लेंथ